about the simple question. The radius of circle increasing in Fermi at the rate of 3 centimeter per second. मतलब क्या होगा? Br by क्या लिया है? Dp dr 3 centimeter per second. समझ आ गया? अब इसमें क्या पूछ रहा है? Find the rate at which the area of the circle increasing when the radius is 10 cm. R कितना दिया है? 10 cm. क्या पूछ रहा है? Da by d. सिंपल एरिया कितना होगा? क्या है? पाई आर स्क्वायर सर्कल है तो डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में. क्या होगा? डीए बाई डी टी इक्वल क्या होगा? टू पाई आर इनटू डीआर बाई डी टी. होगा डीआर बाई डी टी की वैल्यू यहां पे दे रखा है. आर और दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो डीए बाई डी टी जो हो जाएगा 2 इनटू पाई आर कितना है? 10 इनटू डीआर बाई डी टी कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. मतलब 30 को 65 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह करके छोटे छोटे क्वेश्चन एक खुद भी घर में कर सकते हो काफी इसमें. फोर्थ उसी तरह से है एज आ वेरिएबल क्यू इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस डीएक्स बाय डीटी होगा. एज दे दो एक्स. सुन दो एक मिनट. अब क्या पूछ रहा है इसमें? हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10. वॉल्यूम क्या होता है? एक्स क्यूब होता है. dv by dt निकालो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा into dx by dt. dx by dt दे रखा है वो पुट कर दो x दिया है आ जाएगा. इस तरह फिफ्थ है हमारा. a stone drop into the required length and wave moves at a speed of 5 cm per second. wave move कर रहा था क्या हुआ? रेडियस हो गया. ऐसे तो होता है ना यहाँ पे पानी वाले होता है ऐसे 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 मूव करता है. ये चीज तो बढ़ गई है ना इसकी रेडियस बढ़ गई है. तो एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज एट हाउ फास्ट द इनपुट एरिया. सेम वही चीज है. dr / dt दिया है इसमें तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसी टाइप से है. क्या दिया है? dr / dt दिया है. r की वैल्यू दिया है. dj / dt निकालना है थर्ड क्वेश्चन से. ये देखो एग्जांपल थर्ड देख लेना सेम उसी तरह. एग्जांपल थर्ड भी दे सकते हो. और सिक्स में आ जाओ. द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस dr / dt. व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है? सी होता है. सी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर. तो तुम कर दो डिफरेंशिएट उसको. तो डी डी सी बाय डी टी इक्वल क्या है? 2 पाई आर का 1 हो गया. डी आर बाय डी टी करेंगे अब फिर डी आर बाय डी टी है. डी आर बाय डी टी की वैल्यू 2 पाई इनटू डी आर बाय डी टी आएगा. डी आर बाय डी टी की वैल्यू 0.7. तुमको समझ आ रहा है? 6 में क्या दिया था? 6 में दिया है dr by dt दिया है. तो दिया देखते जाओ. dr by dt क्या है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड. आपसे क्या पूछ रहा है? dc by dt. c क्या हो गया? सर्कमफेरेंस. c कितना होता है? 2 पाई r. तो dc by dt 2 पाई into क्या हुआ? dr by dt हो जाएगा. r मिलेगा सर. आर की वैल्यू तो कर लो डिफरेंशिएट. तो डीआर तो आर की क्यों डिफरेंशिएट? क्यों नहीं होगा? आर को ही तो डिफरेंशिएट कर दिया तुमने. एक्स को डिफरेंशिएट करता वन होता है. डीएक्स बाय डीटी लिखता है. डीएक्स बाय डीएक्स मान हो जाता है. डीआर बाय डी के आया सी. अब वैल्यू पुट कर दो 2 * पाई आर. तो इसमें आएगा इसलिए आर की वैल्यू नहीं सही है. 0.7 इसकी वैल्यू पुट कर लेना सेंटीमीटर पर सेकंड क्योंकि ये सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर में. इस तरह 7 से किया तो इतना लोग को कितना आराम से. क्या दिया है? 7 तो इसमें कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. लेंथ x दिया है. x क्या दे रहा है? डिक्रीज कर रहा है. dx / dt तो माइनस देगा डिक्रीजिंग. क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर? माइनस में जा रहा है. हां डिक्रीजिंग कर रहा है इसलिए माइनस आ रहा है. और कह रहा है कि एंड द
width while increasing at rate of 4 meter 4 cm per minute. तो आपका दिया है dy by dt, क्या दिया है 4 cm per minute. क्लियर आ गया समझ में? ये दिया आपका रेक्टेंगल दिया है x ray ये. तो पूछ रहा है कि when x equal to 8, x equal to 8 cm और y equal to 6 cm. तो कह रहा है कि find the rate of change. फर्स्ट निकालना a per meter. अब per meter कितना होता है? 2 x plus y, a per meter होगा. अब इसको जब करोगे किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में. Differentiate with respect to t. हमको dp by dt निकालना है. तो dp by dt पर तो कितना होगा? 2 क्या हो जाएगा? dx by dt plus dy by dt. अब करोगे 2 dx by dt कितना दिया है? minus 5 dy by dt कितना दिया है? plus 4 कितना आ जाएगा? minus 1 minus 2. minus 2 का मतलब क्या होगा? कि वो माइनस ये शो कर रहा है कि पेरिमीटर से क्या होगा? डिक्रीज होगा. पेरिमीटर क्या हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर पर मिनट. क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग होगा. आगे समझ में? पेरिमीटर जो डिक्रीजिंग लास्ट में लिख सकते हो, पेरिमीटर जो डिक्रीजिंग है रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर समझ आ गया? हां, माइनस यहां नहीं लगेगा. हमने डिक्रीजिंग माइनस साइन तो यहां लगेगा ना, शो कर देगा. यहाँ नहीं, जैसे देखो पुट में थोड़ी देखा है यहाँ पे 5 दिया ना, डिक्रीजिंग का रेट ऑफ 5 जब पुट की इस लेंथ पर वो डिक्रीज कर रहा है जो प्रीवियस था. कौन सा? हां, पैरामीटर है प्रीवियस वाले पैरामीटर से डिक्रीज हो रहा है. हां, हमने तो तुम इसको इस तरह चेंज करोगे ना, पैरामीटर तुम्हारा घटता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. अब इसमें क्या दिया है? ये x और y की वैल्यू इसमें नहीं आई, क्योंकि इसमें x y आया नहीं. इसका यूज नहीं हुआ, एरिया में आया. तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? इसका क्या निकालना है? कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है, पी डीएक्स और डीटी बाय वाई, ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? एरिया. एरिया से कितना होता है? एक्स वाई एरिया से वाई को होगा ना. अब एरिया को डिफरेंशिएट करो किससे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या हो जाएगा? डीए बाय डीटी. यू भी लगेगा इसमें. एक्स को करोगे तो एक्स हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? dy by dt plus y into क्या हो गया? dx by dt. अब x, y और dy by dt सब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. x पुट करोगे कितना हो गया? कितना है? 8 into dy by dt कितना था? 4 plus y कितना था? 6 into dx by dt कितना था? minus 5. कितना हो जाएगा ये? 8 4 या 32 minus 30. इसमें 2 आएगा. वो क्या हो रहा है? प्लस आ रहा है. इसलिए क्या होगा? एरिया जो होगा 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आएगा. सेकंड सेकंड मिनट का, मिनट का ही सेकंड यहां पे मिनट का. ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा. क्या करेगा ये? इंक्रीज होगा. क्लियर आ गया? समझ में? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है. अच्छा क्वेश्चन. एरिया इंक्रीज होगा, पेरिमीटर क्या होगा? डिक्रीज होगा. ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं. उत्तम नगर दयाल सौ रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जहां एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है. Generated by the pumping 900 cubic centimeter per of gas per second. क्या होगा? dB by dt दे दिया आपको, centimeter cube per second. अरे समझो, अरे तुम जो पंप कर रहे dB है ना, centimeter cube क्या आ रहा होगी? और क्या ना इसमें वॉल्यूम जो दिया है वो क्या दिया है? क्या ना सिर्फ cubic centimeter. cubic में क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा. पंप के लिए गुब्बारा खोलेगा तो वही तो बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसका. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15. आर कितना दिया है? 15. क्या निकालना है? dr / dt. सर ये समझ में आ रहा है.
सिंपल इफ आई डू दैट तो पुलाव का क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा ना। स्क्वायर का वॉल्यूम जो दिया है वो तो पुलाव है तो बढ़ रहा है तो डी बाई डी टी बढ़ेगा, वो तो दे रखा है जिस यूनिट से पर सेकंड। आप आर का 15 लगा लीजिए तो 15 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उससे पूछ रहा है कि रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है या भाई यू बी किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है। सर ये तो आ रही है लेकिन चेक कर दो स्क्वायर को टी डीवी का क्या होगा, डीटी इक्वल टू कितना होगा 4/3 इनटू पाई इनटू क्या होगा 3 आर स्क्वायर इनटू डीआर बाय डी। ये निकालना आपको डीआर बाय डी 3 से 3 कट गया, आर मिल गया है पाई के कैसे आ जाएगा, डी बाय डी कितना दिया 900 4 पाई इनटू आर कितना दिया 15 इनटू डीआर बाय डी। ये काम सब एक का जाएगा डिवाइड का जाएगा 15 से काट दो कितना होगा 15 से चला इनटू हो जाएगा 15 4 जा 4 से 4 कट गया कितना आ गया डीआर बाय डी की जो गया 1/5 कितना हो गया 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीजिंग होगा। नाइन था सर ये बात, ये वैल्यू ऑलवेज रिमेंस ऑन स्पेस रिमेंस स्पेरिकल एज ए वेरिएबल रेडियस, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लैटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लैटर जब 10 सेंटीमीटर था उसके बाद में जब इंक्रीज हुआ तो उसके बाद मुझे आर कितना दिया, आर 10 सेंटीमीटर को निकालना है और किसके इसके आपने निकालना है डीवी बाई डी आर निकालना है, डीवी बाई डी भी निकालना है, क्या निकालना है जो हिसाब से बोल रहे हैं ना find the rate at which the volume is increasing with the radius, with the radius और इधर balloon है तो balloon क्या होता है, square का होता है तो उसका volume क्या होगा 4/3 pi r cube। अब differentiate कर लो with respect to r क्या हो जाएगा dv by dr पर तो क्या होगा 4/3 pi into 3 r square cube क्या हो जाएगा यार भाई ये दिया भी नहीं दिया आर के स्पेक्ट में तो कर रहे हैं ना, इसमें ये नहीं आएगा ना आर को जब टी के स्पेक्ट में करते तब आएगा यही आ जाएगा आर के लिए पुट कर दो यहाँ पे 4/3 पाई इनटू ये दिस दिन को कट गया 400 होगा ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर 400 पाई दिया 400 पाई अगर इसको 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एरिया में नेक्स्ट टू वॉल द बॉटम ऑफ द डायगर इज पुट अलोंग द ग्राउंड अरे द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल द डिजिट मेन द पुट ऑफ द डायगर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल द वॉल है मान लो ये डायगर है स्क्वायर ले लो इसको वाई ले मतलब ये आपका कितना दिया है 5 मीटर दिया है ये दिया है ये डायगर ऐसे आ जा रहा है आपके इधर से
ये कह रहा है कि the bottom of the ladder is pulled along the ground and the wall the rate of 2 cm per second dx by kya diya dv diya 2 cm per second clear aapse kya puch raha hai how fast height of the wall decreases when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall y kitna hai नहीं y x दिया 4 at x equal to 4 आपको निकालना है ये जब ऐसे घटता जाएगा 4 होगा ना तब ये किस रेट से क्या हुआ है आपका डिक्रीज हुए ये ऐसे घटे ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा ये चीज कम होगी तो ये चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ रहा है ऐसे ये चीज कम होगी ये डिक्रीज हो ऐसे जाएगा ये नीचे वाली ये 4 दिया है और ये आपका क्या दिया ये मान लो ये ए ओ ए भी दिया है मान लो ए भी दिया आपका क्या है लेटर है ये ए भी मान लो लेटर लेटर ए भी कितना दिया है ये मान लो 5 मीटर दिया है तो वाई कितना आ जाएगा इसमें वाई दे दिया ना वाई के बराबर मतलब क्या आ जाएगा ए भी स्क्वायर 25 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फिर आ जाएगा मतलब जब ये आपका 4 मीटर होगा तो ये कितना होगा 3 होगा भाई अब रेट निकालना किस रेट से आएगा तो इन तीनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है आपको डी बाई बाई डी माना है ना क्या बनेगा इन पाइथागोरस लगा दो एक्स इन एन बी ओ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 ये होगा ना ठीक है अब डिफरेंशिएट कर दो with respect to t d over 2x into क्या हो गया dx by dt plus जो जाएगा 2y into क्या हो जाएगा dy by dt equal to क्या हो गया 0 हो गया आपको क्या निकालना है dy by dt निकालना है क्या निकालना है dy by dt निकालना है ठीक है सबकी वैल्यू पुट कर दो d 2 into x कितना है 4 है dx by dt कितना है 2 है प्लस 2y y को दिया है आपने y कितना है 3 है और dy by dt निकालना है 0 हो गया कितना हो गया ये चला जाएगा उधर तो dy by dt निकालोगे आप माइनस हो जाएगा ना जाएगा तो ये पर और फिर कितना हो 16 और कितना आएगा 6 ये हो गया 3 ये हो गया 8 माइनस 8 बाई 3 माइनस के तरह तो कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो हाइट जो होगा वो इक्वेशन आता है ज्यादातर हाइट ऑफ वॉल ये पूछ रहा है कि हाउ इट्स हाइट ऑन द वॉल हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ कितना होगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर मीटर के सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड समझा लिया से सीधा हुआ वो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ बाई क्या होगा बाई क्या होगा ये अरे यहाँ से पाइथागोरस लगा यार बाई 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर माइनस किया 25 में से 16 माइनस जाएगा कितना होगा 9 नहीं आएगा 9 जरूर बाहर के लिए नहीं आएगा हाँ ये ये तो पहले बार से काम को वाई की वैल्यू निकाला है और फिर पहले बार से की एक्स वाई की वैल्यू की वैल्यू वैल्यू को करके इक्वेशन में आएगा बिल्कुल करेगा डिफरेंशिएट करेगा ऐसे मतलब फिर ये वैल्यू आएगा आगे समझ में करंट सैंड की पोलिंग from a pipe at the rate of 12 cm cube per second ठीक है तो dv by क्या लिया है dt ले रखा है 12 cm cube per second भाई देखो ऐसे ये पाइप है ऐसे क्या हो रहा है बालू से गिर रहा है ये किस फॉर्मेट में बनेगा जैसे देखो क्यों में से गिरा होता है कोन बनेगा क्या बनेगा ये कोन का फॉर्म बन जाएगा ठीक है करंट इधर The falling sand is formed a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. H2O क्या है? 1/6 क्या है? R.
आर इक्वल टू क्या हो गया, सिक्स एक्स हो जाएगा। बालू ऐसे गिरता है, देखो फैलता ज्यादा है, हाइट क्या होती है उसकी कम होती है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ऐसे कितना लिया है 4 सेंटीमीटर में क्या निकालना है, dH / dt निकालना है। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम दिया है ना v dv / dt, dH / dt निकालना है। तो v कितना होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरा तो लो v में कितना वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1 / 3 पाई r स्क्वायर x, इसमें कन्वर्ट करोगे r को x में, क्योंकि आपको dH / dt निकालना है, dt में कन्वर्ट करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 1 / 3 पाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 6x, तो 6 कितना हो जाएगा 36h स्क्वायर इनटू h, कितना 3 से कट गया कितना हो गया 9, v कितना हो गया 9 पाई h क्यूब हो गया, समझ पा रही बात। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू h, क्या हो जाएगा ये dv / dx, क्या हो गया 9 पाई इनटू 3h स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा dh / तो हम यहां भी तो ये x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे ना, v के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां गलत लिखा है, हां ठीक है, v के रिस्पेक्ट में आया है, तो dv / क्या आएगा ये dt, dv / वेरी गुड, ये सही है, तब ये तो dt / आ रहा है, ये आ गया ये 12 आ गया, हां सही है, x नहीं चाहिए, अब ये क्या हो गया 12 आ गया, अब ये 9 पाई हो गया, ये कट जाएगा 3 4 जा 12 4 से कट गया ये 4, कितना होगा 4 9 का 36 पाई, तो क्या आ जाएगा यहां पे dH / dt आ गया 1 पाई आ गया, 1 में कितना हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से क्या होगा, हाइट से क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट दिस इज आगे समझ में, इसलिए साइड क्या भी आपकी इंक्रीज हो रही। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब दोनों में भी क्वेश्चन आने लगे थे इसलिए इनके इनके थोड़ी सी रेट बढ़ गए, मतलब ये भी क्वेश्चन अब आ सकते, पहले बहुत कम आते थे।